अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि शोल्डर डिस्ट्रोशिया का अगर केस आ जाता है, जिसका मतलब है कि हेड डिलीवर हो गया और शोल्डर स्टक हो गई है, तो उसको आप डिलीवरी के लिए जो डिफरेंट मैन्यूवर्स करते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, इसकी वीडियो डिटेल में कि इसके थ्योरी की वीडियो के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब मैं आपको वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, आप उसमें देखिएगा। यहां मैं सिर्फ आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये हेड डिलीवर हो गया और जो एंटीरियर शोल्डर है वो फंस गया, ये एंटीरियर शोल्डर है मेरा और ये सिम्फिसिस प्यूबस है मदर का, ये इसके पीछे फंस गया, ठीक है। ये अब शोल्डर डिस्ट्रोशिया का केस है। अब मुझे पता चलिए शोल्डर डिस्ट्रोशिया, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कॉल फॉर हेल्प। मैं फोन कॉल करूंगी टू माई सीनियर के अस्सलाम वालेकुम मैम, डिलीवरी हो रही थी नॉर्मल डिलीवरी लेबर रूम में, शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया, आप जल्दी आ जाइए, स्टाफ जल्दी से आए और टाइमिंग करना शुरू करें। ये मैंने कॉल फॉर हेल्प की, आपने एक्टिंग में करना है क्योंकि ये पहला स्टेप है, आप अकेले नहीं कर सकते इसको मैनेज। उसके बाद आपने क्या किया, फीमेल को फौरन से बिल्कुल किनारे पे ले आना है, ठीक है, एज ऑफ द टेबल। मैं अभी थोड़ा सा पीछे ही रखी हूं, लेकिन आपने मैन्यूवर करना है अगर टेबल के एज पे ले आएंगे ताकि मैन्यूवर्स करना आसान हो जाए। एंड गिव अ वाइड बोर एपिजियोटमी, आपने करके बताना है कि मैंने इधर एक एपिजियोटमी देनी है मीडियो लैटरल डायरेक्शन में। उसके बाद भी अगर डिलीवर नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप इज ये सपोज कर लिया आपने दोनों फीमेल की टांगे ऐसे ही है ना और वो लाइथोटमी पोजीशन में, तो आपने ऐसे करके बताना है कि आपने फीमेल को टांगों को करना है फ्लेक्स, आगे से प्रेशर देंगे तो वो फ्लेक्स हो जाएंगी ऑन द एब्डोमेन और साथ करना है एबडक्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फ्लेक्स एंड एबडक्ट, ये कर दिया आपने टांगों को मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर। ये नहीं हुआ, इससे अगला जो आपने मैन्यूवर मैक्रोबर्ट्स के बाद करना होता है, दैट इज सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। ये आपका प्यूबिक सिम्फिसिस है, जिससे मैंने आपको बताया था कि आपने सीपीआर की तरीके से, ठीक है, हाथ पे हाथ रखना है ये, जैसे सीपीआर करते हैं, एंड अप्लाई प्रेशर लाइक दिस, ठीक है, जोर से प्रेशर अप्लाई करना है, बट डोंट एक्सीड मोर देन 20 to 25 seconds, क्योंकि आपने अगले मैन्यूवर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो 30 seconds तक। इससे क्या मैं कह रही हूँ कि ये जो इंटीरियर शोल्डर इधर नीचे फंसा हुआ है, हो सकता है मैं इधर से, ये तो जाहिर डमी है, इसमें तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रेशर दूं तो हो सकता है नीचे से निकल है और डिलीवर हो जाए। आफ्टर सुपर प्यूबिक प्रेशर नहीं काम किया, आपने करने हैं रोटेशनल एंट्री मैन्यूवर्स, ठीक है, जितने भी एंट्री मैन्यूवर्स में सबसे पहले जो मैं परफॉर्म करूंगी वो है रूबिन्स 2। ये आपने देखें इस तरह से इसको परफॉर्म करना है कि यो आपकी ये जो दो फिंगर्स हैं ये एंटर होनी है मटर्नल वजाइना के थ्रू और किस पोजीशन पे, 7 o'clock पे। ये अगर क्लॉक है तो दिस इज 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock पे आपने ये दोनों फिंगर्स एंटर करनी है, स्लाइड करना है अक्रॉस द बैक और इंटीरियर शोल्डर की पोस्टीरियरली मैं ले आई हूं अपनी दोनों फिंगर्स, ठीक है, ये मेरे इंटीरियर शोल्डर की पोस्टीरियरली, यहां से मैं इसको ऐसे करके यूं प्रेशर दूंगी और चेस्ट के अलोंग कर दूंगी, ठीक है, हल्का सा देना, ऐसे नहीं कि बच्चे का कंधा ही टूट जाए, इस बाजू को मैं कोशिश करूंगी कि चेस्ट के आगे चली जाए, चेस्ट के अलोंग, और फिर बच्चा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रूबिन्स 2 प्रोसीजर, 7 o'clock से ही एंटर करना है और यूं करके आपने इसे लेके जाना है। उसके बाद होता है हमारा अगला जो प्रोसीजर वो वुड स्क्रू, उसमें मैंने क्या करना है कि अब पोस्टीरियर शोल्डर के साथ मैं खेल करूंगी, ये दोनों उंगलियां अपनी एंटर करूंगी, ठीक है, और जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसको एंटीरियरली धक्का दूंगी। अभी आपको नजर है पोस्टीरियर शोल्डर, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए सर ऊपर किया वरना नहीं करते होते, इधर से मैंने एंटर की दोनों उंगलियां, ये एंटीरियर पोर्शन है पोस्टीरियर शोल्डर का, इसको मैं यूं धक्का दूंगी, ऐसे करूंगी ना, तो ये देखें ऊपर से फंसा हुआ जो शोल्डर था वो निकल आए और डिलीवरी हो जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा तरीका होता है, ये होता है वुड स्क्रू, दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ये जो पोस्टीरियर शोल्डर पड़ा हुआ है अंदर, इसके अभी तो मैंने आगे से यूं धक्का दिया था ना, मैं यूं धक्का देने के बजाय पीछे यूं उंगलियां लेके जाऊं पीछे से और इस पोजीशन में धक्का दूं ऐसे, तब भी यही होगा कि एंटीरियर शोल्डर यहां से निकल आएगा और डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे से धक्का देंगे और यूं मोड़ेंगे तो उसको कहते हैं वुड स्क्रू, पीछे से धक्का देंगे और आगे मोड़ेंगे तो उसको कहते हैं रिवर्स वुड स्क्रू, ठीक हो गया। अच्छा अभी भी नहीं हुआ, एक सेकंड इसको वापस अंदर भेज देते हैं। ओके, अगर अभी भी काम आपका नहीं बना इन मैन्यूवर्स के बावजूद, तो देन इज डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म। अब आपने क्या करना है कि आपने फिर से अपनी उंगलियां एंटर करनी है यहां से एट ऑलमोस्ट, मतलब नीचे वाली पोजीशन से, ठीक है, और पोस्टीरियर आर्म को आपने ऐसे ग्रैब कर लेना है। अब मैं यहां पर से आपको दिखाने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दिस, अच्छा यहां से मैं आपको ना दिखाने के लिए इसकी पोस्टीरियर आर्म को यहां से पकड़ रही हूं, ठीक है, मतलब मैंने ऊपर कर रही हूं ताकि आपको नजर आए, बल्कि बाहर ही निकाल के दिखा देती हूं, ठीक है, ऐसे करके। अब यहां ये देखिए बच्चे को आपने यूं उंगली डालनी है, पोस्टीरियर आर्म को ऐसे ग्रैब करना है और यूं करना है आपने स्वाइप अलोंग द चेस्ट, ठीक है, ऐसे चेस्ट के अलोंग आपने उसको स्वाइप करते हुए बाहर लेके आना है और डिलीवर करा लेना है, ठीक है, ये आपकी पोस्टीरियर आर्म डिलीवर होगी। इसकी वजह से ये होता है कि जो अंदर का जगह है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है और फिर एंटीरियर शोल्डर आराम से डिलीवर हो जाता है, तो ये एक प्रोसीजर है।
अच्छा, अगर डिलीवरी हो तो पोस्टीरियर आर्म से भी काम नहीं चल रहा, तो फिर मदर को हमने कराना ऑल फोर्स पे सजदा पोजीशन में, यानी घुटनों और हाथों के बल, उससे भी काम नहीं बनता। तो फिर आते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। डिस्ट्रक्टिव में ये है कि हम यहाँ से सिम्फिसिस भी पहले एम्प्टी द ब्लैडर में फॉलीज पास करेंगे, यूरेथ्रा को साइड पे करेंगे एंड देन सिम्फिजियोटमी कर देंगे, सिम्फिसिस प्यूबिस काट देंगे। ये पहले कहना जरूरी है, फॉलीज पास करना है एंड यूरेथ्रा को साइड पे करना है। और दूसरा ये है कि क्लिडोटमी, बच्चे के क्लेविकल पे ऐसे जरा सा प्रेशर देंगे, क्लेविकल टूट जाएगा एंड डिलीवर कर देंगे, इससे भी काम नहीं बनता। तो द लास्ट रिजॉर्ट इज ज़ेवेनेलीज मैनूवर, जिसमें आपने बच्चे के सर को, अब बच्चे का सर डिलीवर हो चुका था ना, उसी तरह से जिस तरह डिलीवर हुआ था आपने वापस उसे अंदर भेजना है। पहले थोड़ा सा एक्सटेंड करके वो बाहर आए थे, जाहिर है आपने उसको थोड़ा रोटेट करना है, जाहिर है वो अपनी इस पोजीशन में आया था ना बाहर, ऐसे रोटेट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, वापस अंदर ऐसे करके अंदर भेजेंगे सी सेक, और अंदर चला जाएगा तो सी सेक्शन करेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया यहाँ पर डिस्ट्रॉशिया। किसी को मसला अभी तक, थैंक यू।